हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ध्यान देंगे अपने नए टॉपिक के बारे में, वो है एरे। एरे क्या होता है? एरे में पहले बता दूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली यूपी बोर्ड, जो एनसीईआरटी बोर्ड है, आपके बच्चे जो पढ़ रहे हैं, चाहे वो क्लास टेंथ के लिए हो, चाहे वो क्लास फर्स्ट ईयर इंटर के लिए हो, क्योंकि एरे एक ऐसा टॉपिक है जो आपको सभी लोगों को पढ़ना है, चाहे सी लैंग्वेज में हो, चाहे सी प्लस प्लस में हो, और इसके क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, स्पेशली क्लास टेंथ और इंटरमीडिएट के एग्जाम्स। अब आइए देखते हैं एरे है क्या। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में, और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एरे। एरे को कैसे समझते हैं? एक्चुअल में अगर मैं आपसे कहूं वैल्यू इनपुट करने के लिए किसी वेरिएबल में, तो आप डेटा टाइप मानते हैं ए। इसका मतलब ए क्या है? एक ऐसा वेरिएबल है जो एक वैल्यू को स्टोर कर सकता है। वो ए इक्वल्स टू 5 हो सकती है, एज इक्वल टू 7, कोई भी वैल्यू है हो सकती है। और उसका टाइप क्या है? उसका टाइप क्या है? इंटीजर टाइप है। एरे में हम लोग क्या करते हैं? डिक्लेयर मल्टीपल वैल्यूज इन ए सिंगल वेरिएबल ऑफ सेम डेटा टाइप। फिर से एक बार सुन लीजिए, एक लाइन में आप आंसर दे सकते हैं एरे का, बहुत ही आसान है। एरे इज द डिक्लेरेशन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल ऑफ सेम डेटा टाइप। सेम डेटा टाइप आपको याद रखना है, क्योंकि एक ही डेटा टाइप की कई वैल्यू आप इनपुट कर सकते हैं एक ही वेरिएबल के माध्यम से। मतलब सपोज आपका इंट ए है, और इसको बोलते हैं लोग स्क्रिप्ट 5। इसका मतलब जो ए है वो 5 वैल्यूज को आपकी होल्ड करेगा। मतलब ए में आप कितनी वैल्यू डाल सकते हैं? 5 वैल्यू डाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अगर आप नॉर्मल किसी प्रोग्राम में 5 वैल्यू इनपुट करनी होगी आपको, तो आप क्या करते थे? सपोज आपको एरे का यूज नहीं करेंगे और 5 वैल्यू अगर उनको डालनी पड़ जाएंगी, तो हम लोग क्या करेंगे? ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, बहुत ही लंबा और कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम बनेगा। अब हमने क्या किया, एक ही वेरिएबल में आप देख सकते हैं इस तरह से आप एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू डिक्लेयर कर सकते हैं। देखते हैं इसको फिर से। हम मैंने लिखा आपका, सबसे पहले आपके लिए एक सेंटेंस लिख देते हैं। सेंटेंस क्या होगा इसको देख लीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? डेटा टाइप। डेटा टाइप के बाद होगा आपका वेरिएबल नेम, या इसको आप एरे नेम भी लिख सकते हैं। वेरिएबल नेम, और वेरिएबल नेम के बाद आपका स्क्रिप्ट होगा, और इसके अंदर क्या होगी? इसकी साइज होगी। साइज का मतलब कि कितनी आपकी एरे की लेंथ है, कितने आप उसमें एरे एलिमेंट डालना चाहते हैं। अब इसको कर लेते हैं, समझ लेते हैं एग्जांपल के माध्यम से। सपोज डेटा टाइप आपका इंटीजर है, वेरिएबल नेम ए है, और हमारी साइज क्या है, इसको आप एरे का इनिशियलाइजेशन भी कह सकते हैं। कैसे एरे में वैल्यू इनिशियलाइज की जाती है, इस तरह से आप वैल्यूज को इनिशियलाइज कर सकते हैं। एज इक्वल टू डिक्लेरेशन रूल्स, डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे, एज इक्वल टू 5। इसके अलावा इसके बहुत सारे मेथड भी हैं डिक्लेयर करने के लिए। एक मेथड और आपको बता देता हूं। सपोज आपके पास यहां पे तो 5 डिफरेंट नंबर हो गए, सपोज आपके पास पहले से ही नंबर दिए हैं, उन 5 नंबर्स को कैसे डिक्लेयर करेंगे? कुछ नहीं करना है आपको, इंटीजर ए। अब आपको स्क्रिप्ट की साइज नहीं देनी। क्यों? क्योंकि आपके पास पहले से ही कोई डिफरेंट 5 नंबर्स हैं। तो 5 नंबर कौन कौन सा है? 7, 9, 10, 11 देख सकते हैं आप। इस तरह से भी एरे की वैल्यू को डिक्लेयर किया जा सकता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे हम लोग पहले 5 वैल्यू इनपुट करने के लिए 5 तरीके के वेरिएबल मानते थे, एरे में क्या होगा, एक ही वेरिएबल के माध्यम से देखिए मैंने 5 वैल्यू सिस्टम को इनपुट करा दी, या आप वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। अब इसको आप समझते हैं ये कैसे काम करता है। ये बनाता है इंडेक्स। अब कैसे इसकी इंडेक्स बनती है ये देखते हैं। एरे की जो इंडेक्स बनती है वो होती है 0 से स्टार्ट, 0, 1, 2, 3, 4। क्यों? क्योंकि जो एरे की साइज थी वो थी 5, तो जो एरे के इंडेक्स बनेगी वो 0 से स्टार्ट होगी, तो 0, 1, 2, 3, 4, क्योंकि वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। अब कोई 5 डिफरेंट वैल्यू तो यहां पर
पुट कर सकते हैं 2, 7, 9, 5, 8, 12 या इसी को समझ लेते हैं। इसकी अगर हम लोग इंडेक्सिंग बनाएंगे तो इंडेक्स कैसे बनेगी इसकी, सेवन नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व, पी जीरो या पी वन पी टू पी थ्री पी फोर। अगर हम लोग एरे पोजीशन की बात करें तो एरे पोजीशन अगर आपसे कोई पूछे 10 की एरे पोजीशन क्या है, तो यहाँ पे 10 की एरे पोजीशन हमें दिखने में जरूर दूसरी लग रही है कि तीसरी पोजीशन होगी, लेकिन ये तीसरी पोजीशन नहीं है। ये कौन सी पोजीशन है, ये है ए की दूसरी पोजीशन या दूसरा इंडेक्स। क्यों, क्योंकि जो एरे एलिमेंट स्टार्ट होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना है कि एरे एलिमेंट जब भी आप स्टार्ट करेंगे वो जीरो से स्टार्ट करेंगे। ये तो हो गया एरे को, हम लोग एरे को समझते कहते हैं कि एसएस पे वैल्यू हम लोग डालते हैं, किस तरह से वैल्यू रीड करता है। अगर हम लोग फॉर लूप के थ्रू वैल्यू डालेंगे एरे में तब कैसे डालेंगे, आइए देखते हैं। क्योंकि आपको प्रोग्राम में फॉर लूप के थ्रू वैल्यू डालनी भी होगी और मैं दोनों मेथड बता दे रहा हूँ, सी प्लस प्लस में कैसे करते हैं इसको और सी में कैसे करते हैं। केवल आपको याद रखना है सी आउट सी इन का ही डिफरेंस है, तो आप लोग जानते हैं, मैंने आपको ट्यूटोरियल में बता रखा है। तो देखते हैं आपको क्लास कैसे करना है आपका डन। यहां पे सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने एक मैसेज डाल लिया, इंटर एनी फाइव नंबर। अब फाइव नंबर का मैंने ये मैसेज डाल दिया, अब ये मैसेज हो गया, अब पांच नंबर करेंगे ऐसे। वैसे हम लोग तुरंत क्या करते हैं, सीन कर लेते थे, लेकिन यहां पे आपको तुरंत सीन नहीं करना है, यहां पे आप क्या लगाओगे, फॉर लगाओगे। एक वेरिएबल और मानना पड़ेगा जो जीरो से स्टार्ट होगा, क्योंकि मैंने कहा इंडेक्स नंबर जीरो से स्टार्ट होगा, लेस देन इक्वल टू या लेस देन फाइव। लेस देन फाइव का मतलब ये कहां तक जाएगा, फोर तक जाएगा, और इसके बाद आप क्या करेंगे, आई प्लस प्लस सी ए। इस तरह से आप फॉर लूप में, अब ये क्या होगा, आई के साथ पांच वैल्यूज आपकी इनपुट कर लेगा। अगर हम लोग इसको प्रिंटर्स कह रहे थे समझते, तो केवल यहां पे आपको क्या करना था, प्रिंटर्स करना है, बाकी मेथड सेम है। और यहां पे आपको क्या कर देना है, स्कैनर कर देना है, स्कैनर ये हो गया सी। मतलब आप दोनों ही, आप चाहे सी में करें चाहे सी प्लस प्लस में करें, दोनों में लगभग एक ही मेथड है, बस आउट की जगह आपका प्रिंटर और सीन की जगह आपका स्कैनर यूज होना है। अब इसको आप देखते समझेंगे कैसे, कि पहली वैल्यू जाएगी वो बनाएगा ए ए आई जीरो, मतलब जो पहला इंडेक्स होगा वो होगा आपका ए आई जीरो का, दूसरा जो होगा वो ए वन ए टू ए थ्री और ए, ये सबके लिए अलग मेमोरी है, क्योंकि आप जानते हैं वेरिएबल का काम क्या होता है, मेमोरी स्टोर कराना आपके वैल्यू के लिए। तो देखिए इसकी मेमोरी अलग है, इसकी मेमोरी अलग है, इसकी मेमोरी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग, और एक ही वेरिएबल में आपने मल्टीपल वैल्यूज डिक्लेयर की। ये तो हो गया एरे का डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन और कैसे इंडेक्स आप एरे में डालते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपको बताएंगे कि प्रोग्राम कैसे बनाना है, एरे का प्रोग्राम कैसे करना है। तो इस कंटेंट में आपको कोई प्रॉब्लम लग रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।